आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वासुदेव दर्शन पर। तो दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पुरातन के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आज से करीब 1 खरब वर्ष पहले मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करता था। आदिम मनुष्य अपने पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते थे। इन औजारों के कुछ नमूने बेराट रेत में भानगढ़ के आसपास पाए गए हैं। मनुष्य पहाड़ों में, पर्वतों पर, गुफाओं में रहते थे। अति प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान वैसा बिहड़ मरुस्थल नहीं था जैसा वह आज है। इस क्षेत्र से होकर सरस्वती जैसी विशाल नदियां बहा करती थी। इन नदी घाटियों में हड़प्पा ग्रह विहार और रंग महल जैसी संस्कृति फली फूली। यहाँ की गई खुदाई से खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी एक विकसित नगर सभ्यता का पता चलता है। हड़प्पा ग्रह विहार और रंग महल संस्कृति सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण तक राजस्थान के एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। इस बात के प्रमाण मौजूद है कि ईसा पूर्व 4वीं सदी और उसके पहले यह क्षेत्र कई छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। इनमें से 2 गणराज्य मालवा और सिवी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सिकंदर महान को पंजाब से सिंध की ओर लौटने के लिए बाध्य कर दिया था। उस दौरान सिवी जनपद का शासन भील शासकों के पास था। तत्कालीन भील शासकों की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उन्होंने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। उस समय उत्तरी बीकानेर पर एक गणराज्य योद्धा कबीले योद्धयत का अधिकार था। महाभारत में उल्लेखित मध्य पूर्वी राजस्थान और जयपुर के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। जयपुर से 80 किलोमीटर उत्तर में बेराट, जो तब विराट नगर कहलाता था, उनकी राजधानी थी। इस क्षेत्र की प्राचीनता का पता अशोक के 2 शिल्प लेखों और 4वीं-5वीं सदी के बौद्ध मठ के भवनावशेषों से भी पता चलता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली उस समय सूरसेन जनपद के अंश थे, जिसकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर के नोह नामक स्थान में अनेक उत्तर मौर्यकालीन मूर्तियां और बर्तन खुदाई में मिले हैं। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कृष्णा काल तथा कृष्णोत्तर तृतीय सदी में उत्तरी एवं मध्यवर्ती राजस्थान काफी समृद्ध इलाका था। राजस्थान के प्राचीन गणराज्यों ने अपने को पुनः स्थापित किया और वे मालवा गणराज्य के हिस्सा बन गए। मालवा गणराज्य हूनों के आक्रमण के पहले काफी स्वायत्त और समर्थ था। 6वीं सदी में तोरामन के नेतृत्व में हूनों ने इस क्षेत्र पर काफी लूटपाट मचाई और मालवा पर अधिकार जमा लिया। लेकिन फिर यशोधर्मन ने हूनों को पराजित कर दिया और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में गुप्त वंश का प्रभाव फिर कायम हो गया। 7वीं सदी में पुराने गणराज्य धीरे धीरे अपने को
स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापित करने लगे। लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों के कारण यहाँ एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हो रहा था। रूढ़िवादी हिंदुओं की नज़र इस अपवित्रता को रोकने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी। सन 647 में हर्ष की मृत्यु के बाद किसी मजबूत केंद्रीय शक्ति के अभाव में स्थानीय स्तर पर ही अनेक तरह की परिस्थितियों से निपटा जाता रहा। इन्हीं मजबूरियों के तहत पनपे गए स्थानीय नेतृत्व में जाति व्यवस्था और भी कठोर हो गई। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।